नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के रहने वाले गौर परिवार सदस्य आज इंदौर के डीआईजी ऑफिस पहुंचे और उन्होंने अपनी बेटी के ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाया और जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। इंदौर के रहने वाले महेश गौर आज इंदौर के डीआईजी ऑफिस पहुंचे और उन्होंने एक डॉक्टर पर मारपीट का आरोप लगाया। महेश गौर की बेटी की हत्या 25 नवम्बर 2020 को उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने कर दी थी, जिसमें पुलिस ने ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें मृतका के पति, मौसी, सास, ससुर को आरोपी बनाया गया था। हाल ही में रक्षाबंधन के दिन मृतका के ससुराल पक्ष के एक रिश्तेदार, जो कि पेशे से डॉक्टर है, मृतका के पिता महेश गौर के साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत सदर बाजार थाने में की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते आज परिवार सदस्यों ने इंदौर के डीआईजी को एक लिखित शिकायत की है और जल्दी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की है। सर, मैं मेरे ससुराल से आ रहा था एक बच्ची को लेके, तो ये डॉक्टर वहाँ पर खड़ा ही हुआ था, दो चार दस जने को लेके खड़ा हुआ था वहाँ पर, और वो उसके साथ में गीता का आदमी प्रकाश गोड़ भी था, तो और इन्होंने मेरे साथ खूब मारा, झपटी करी, मेरे को मारा, पीठ पे भी बहुत ज़ोर ज़ोर से मारा था इन्होंने। और क्या कारण क्या है मारपीट का कारण क्या है? वो सर ये है कि वो गीता का भतीजा है ये डॉक्टर महेश गोड़, हाँ। वो मेरे से बोल रहा है कि 10 लाख रुपए ले लो और समझौता कर लो। मामला क्या था? मामला मेरी गुड़िया को ये हत्या कर दी थी इन्होंने। आप दबाव बना रहे हैं मेरे पे कि वो समझौता कर लो, आरोपी है गीता गोड़, समझौता कर लो, नहीं तो फिर बहुत पछताओगे। मेरे इंदौर में मेरे अच्छे अच्छे लोग जानते मेरे को। ये जो डॉक्टर, इनका नाम क्या है? महेश गोड़। कहाँ काम करते हैं? डॉक्टर महेश गोड़ हैं जो पूरे इंदौर में के हॉस्पिटल में जाते हैं, इनका क्लिनिक कोई नहीं है। आज आप यहाँ आए हो, आपने क्या किया आज? सर, मैंने आईजी साहब को आवेदन दिया है, तो वो उन्होंने बोला है कि उचित कार्रवाई करेंगे हम। इसके खिलाफ FIR लिखाई है हमने? सर, वो सदर बाजार थाने पे हमारी सुनवाई नहीं करी, उन्होंने उनकी रिपोर्ट डाल ली। आपका नाम बताइए। महेश गोड़। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी।